नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। नया वायरस H3N2 का कहर शुरू हो चुका है जी। या दोस्तों, आपको ज़्यादा ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली और पंजाब में भी काफ़ी तेज़ी से H3N2 वायरस तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका है। खांसी, बुखार, जुखाम अगर आपको है तो ज़रूर दिखाएँ। भारत में H3N2 के केसों में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चीन में भी केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। PM मोदी ने सभी से यहाँ पर मास्क, सैनिटाइजेशन के नियम अपनाने को कहा है। भारत में मरीज अब हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपको बता दें, खांसी, बुखार, जुकाम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये आम दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहा है। सभी के लिए 2 गज की दूरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। इस तरह H3N2 वायरस फिर हो रहा है घातक। आपको बता दें, एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर H3N2 के वायरस की चपेट में लोग आने लगे हैं और वैक्सीनेटेड लोग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रूप से जकड़ चुके हैं। भारत में H3N2 के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के कारण चिंताएं बढ़ चुकी। नई लहर में केसों की संख्या काफ़ी तेज़ी हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, परीक्षा सभी पर नया खतरा H3N2 वायरस के रूप में सामने उभर के आ चुका है। आज की काफ़ी बड़ी खबर, H3N2 वायरस हो रहा बेकाबू।